India with folk tales. एक छोटे से गांव में रहते हैं दो भाई पियोंग और सेसिनो। पियोंग है बहुत मेहनती है, रिस्पॉन्सिबल है, जबकि सेसिनो काम चोर, लेजी। तो वो तो हमेशा जब भी हार्वेस्टिंग का, क्रॉप कटिंग का टाइम आता है, कुछ ना कुछ बहाना मारता है और ये देखता है कि उसको काम नहीं करना पड़े। अब जब झूम कल्टीवेशन का टाइम आता है तो उसमें ये होता है एक स्पेसिफिक ये जो सीजन है उसके अंदर वो दे हैव टू क्लीन अप द फार्म्स एंड देन दे हैव टू पुट द क्रॉप। तो अब जब क्रॉप लगाने का टाइम होता है तो मजदूरी तो बहुत रहती है, बहुत काम रहता है। तो सेसिनो को ऑफकोर्स काम नहीं करना है, तो सेसिनो ऐसा नाटक करने लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई कांट वर्क, मुझसे तो काम नहीं होगा। पियोंग बेचारा क्या करे, अपने भाई को वो प्यार करता है पियोंग, और खुद अकेला काम के लिए जाता है। और सेसिनो जैसे ही पियोंग जाता है उसके पीछे ऐश करता है। पियोंग बेचारा खेत में बहुत काम करता है, रात को जब पियोंग आता है तो सेसिनो मेरे तो हाथ, मेरे तो पैर बहुत दुख रहे हैं, मैं तो बहुत बीमार हूँ, ऐसी एक्टिंग करता है। तब हर रोज सुबह पियोंग बेचारा जल्दी सुबह सुबह निकल जाता है और खेत में बहुत काम करता है। और यहाँ सेसिनो जैसे ही पियोंग निकलता है मजे मारता है। अब उनके घर के पास की हट में एक ओल्ड वुमन रहती है, वो ये तमाशा देखती है और उसको बहुत बुरा लगता है कि पियोंग इतना मेहनती है और सेसिनो ऐसा बिहेवियर करता है, बहुत गलत बात है, सेसिनो को सबक सिखाना पड़ेगा। सेसिनो दूसरे दिन पियोंग के जाने के बाद वैसे ही ऐश करने के मूड में है, तभी आवाज आती है, गलत बात गलत बात, जो अपने भाई को मदद नहीं करेगा, गलत बात गलत बात। सेसिनो जब ये सुनता है वो इधर उधर सब जगह डर के मारे देख रहा है, कहां से आवाज आ रही है, कहां से आवाज आ रही है। फिर सेसिनो का ध्यान जाता है उस चीज पे जहां से आवाज आ रही है, डॉल्स। अब ये कोई नॉर्मल डॉल्स नहीं है, ये स्पेशल डॉल्स है, एक मैजिकल डॉल्स, एक ऐसी डॉल्स जो अगर आपने कुछ गलत करा तो वो बोलेगी बोलेगी और बोलती रहेगी जब तक आप ओन अप नहीं करोगे, जब तक आप अपनी गलती नहीं मानोगे। आप समझ गए होंगे कि ये जो चार टॉकिंग डॉल्स है वो वही ओल्ड वुमन ने सेसिनो के घर में रखी है उसको सबक सिखाने के लिए। सेसिनो डर रहा है, वो चार डॉल्स उसके सर पे खड़ी रहती है और बोलती रहती है गलत बात गलत बात। सेसिनो बोलता है चुप चुप, लेकिन डॉल्स थोड़ी ना चुप होगी, डॉल्स बोल रही है, जोर से बोल रही है गलत बात गलत बात, स्टॉप 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 गलत बात गलत बात। सेसिनो डर के मारे वहां से भाग जाता है, डॉल्स उसके पीछे जा रही है, आगे वो पीछे डॉल्स। उसको रास्ते में वो ओल्ड वुमन मिल जाती है, देखो ना कुछ करो ना, ये डॉल्स तो मेरे पीछे पड़ गई है। तो तब माजी बताती है कि ये कोई आम डॉल्स नहीं है, दिस आर टॉकिंग डॉल्स। सच तो ये है कि ये सिर्फ टॉकिंग डॉल्स नहीं है, ये तुम्हारे अंदर की आवाज है, और अगर तुमने कुछ गलत किया है तो वो आवाज तो तुम्हें कोसेगी ही। वो जाता है पियोंग के पास और बोलता है कि प्लीज भैया मुझे माफ करो, मैं झूठ बोल रहा था, आई एम टोटली फाइन, आई एम हेल एंड हार्टी, मैं ये काम नहीं करने के लिए, काम चोरी करने के लिए मैं ये नाटक कर रहा था। जैसे ही सेसिनो अपना गुनाह मानता है वो डॉल्स वापस चली जाती है। इसके बाद अब सेसिनो और पियोंग दोनों बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और अब खेत में काम करने के लिए सेसिनो कभी भी काम चोरी नहीं करता। अब तक हमने हमारे सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज करे हैं, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं जो बहुत जल्द आने वाले हैं।